हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि अपना मोबाइल स्क्रीन को अपना लैपटॉप या पीसी पे कैसा दिख सकते हैं। दोस्तों, आप अभी यहां पे देख सकते होंगे कि मैंने अपना मोबाइल पीसी को कनेक्ट किया है और मैं आराम से यूज कर पा रहा हूं। मैं जो भी यूज कर रहा हूं आपको शायद दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम आज देखेंगे कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा अपना सेटिंग में। अब सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग, वहां पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। डेवलपर ऑप्शन में जाके आपको यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिबगिंग ऑन करके रखा है, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपका ये डिबगिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको जाना पड़ेगा अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाके आपको MIUI ये जो ऑप्शन है, इसके ऊपर 7 टाइम क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैक जाइए और एडिशनल सेटिंग में गया तो आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपल है, अपना क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम में जाइए, क्रोम में जाके आपको वाइसर करके क्रोम का एक्सटेंशन है, VYSOR, वाइसर क्रोम वेब स्टोर, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहां पे जाके आपको ऐड एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरा ऐड किया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। यहां पे मैं लॉन्च कर रहा हूं। यहां पे लॉन्च करने के बाद आपको यहां पे मेरा ऑलरेडी मोबाइल कनेक्टेड दिखा रहा है, Redmi 4A। अगर यहां पे आपको डिवाइस नॉट फाउंड आएगा, आपको लैन से डिबगिंग ऑप्शन ऑन करने के बाद अपना यूएसबी से अपना मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आपका Redmi 4A डिस्प्ले करेगा, जो भी मोबाइल है डिस्प्ले करेगा। आप याद रखिए, कभी कभार आपको नहीं दिखाता है तो आप यहाँ पे एक ABD ड्राइवर है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल पीसी में अगर ABD ड्राइवर नहीं है तो आपको वर्क नहीं करेगा। तो एक बार आप इस एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे इसको व्यू कर लीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप आराम से अपना कोई भी मोबाइल कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही दिखाया था, आराम से यूज कर सकते हैं मोबाइल को। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको यूज करना चाहिए तो। इसके अलावा आपको और एक ऐप है मोबीजन करके, उसमें भी आप कर सकते हैं। मोबीजन को आपको, ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा मोबीजन को, ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड से। और सेम उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, मेरा रजिस्टर्ड है तो आपको सेम यहाँ पे पीसी में जाना पड़ेगा। और सॉरी, यहाँ गूगल में जाके आपको सेम मोबीजन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये लॉगिन करना पड़ेगा। मोबीजन में जाके लॉगिन कर दीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक बार डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, सेम यूजर आईडी जो आपने मोबाइल में किया था, मोबाइल का ऐप में जो किया है वही यूजर आईडी को आप ओपन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। और एक बार लॉगिन करने के बाद आपको मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, सो दोनों से मैं वाइसर को यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो
आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप कोई भी यूज कर लीजिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।